सारी इंडस्ट्री और सारे ट्रेडर मिलके आज हमने प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ इन्होंने एक यहाँ रोड प्रदर्शन किया है, क्योंकि पिछले 40 सालों से जितनी भी मांगे हमारे द्वारा मांगी जा रही हैं, कोई मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, लेटर दिए जा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आपकी डिमांड क्या है? आज हमारी डिमांड है कि लीज टू फ्री होल्ड नहीं हुआ आज तक, इन्होंने अपने कब्जा नहीं हुआ लीज टू फ्री होल्ड के लिए। इन्होंने अपने बड़े बड़े जो अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं वो सारी में इन्होंने वायलेशन कर दी है। हमें थोड़ा काम कर लेते हैं, अंदर कुछ चेंज कर लेते हैं तो हमें वो नोटिस दिया जाता है, वायलेशन का मिस्यूज का नोटिस दिया जाता है, तो आज उसको देखते हैं यहाँ उतरे हैं। ओटीएस स्कीम पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी है, यहाँ व्यापारियों को 10-10 करोड़ रुपए के नोटिस आ रहे हैं, तो वो भी परेशानी थी। हमारी एक भी परेशानी प्रशासन दूर करने को तैयार नहीं हो रहा कि हमारी 10 मांगों से एक भी मांग 30 सालों में पूरी की हो, आज एक मांग पूरी नहीं करी इन्होंने। हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहुत तंग कर रहा है। इवन एडवाइजरी काउंसिल में जो हमारे मुद्दे अप्रूव किए, गवर्नर साहब ने बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, MSME एक्ट लाया जाएगा, केंद्र सरकार से अमित शाह जी ने बोला, उसके बाद जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आई उसमें जीरो कर दिया गया। क्या व्यापारी का कसूर क्या है? हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के नोटिसेज आ रहे हैं, हमें OTS के नोटिस आ रहे हैं, VAT के आ रहे हैं, फायर के नोटिस आ रहे हैं, बिल्डिंग वॉल्यूशन के आ रहे हैं, मिसयूज के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हम लोग काम करने के लिए बैठे हैं कि क्या करने के लिए बैठे हैं? आजकल इतना भेग एटमॉस्फेयर है कि सुबह दुकान खोलते हैं तो डर लगता है कि आज कोई नया नोटिस आ जाएगा। हमारी अपील है सरकार से कि हमें जीने दिया जाए, हमें काम करने दिया जाए। हम नहीं चंडीगढ़ छोड़ना चाहते, आप चाहते हो हम चले जाएं, हम नहीं छोड़ना चाहते। हम मेरी फिर विनती है व्यापारियों भाइयों की तरफ से, हमें काम करना दिया जाए। हम व्यापारी कभी सड़क पे नहीं उतरना चाहता, आज मजबूर है जो सारा व्यापारी इकट्ठा हो गया। हमारी फिर विनती है कि हमें काम करने दिया जाए। प्लॉट है 24x76 फुट के हैं, उसमें जो 1972 की अलॉटमेंट है उसके हिसाब से सिर्फ 30 फुट हमें काम करने को जगह दी गई है। आज के आधुनिक मशीनरी के अंदर हमें बोला जा रहा है कि उसी 30 फुट के अंदर काम किया जाए, फिर बाकी सारा ओपन कोर्ट यार्ड कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? हम जैसे पंजाब में है कि बाउंड्री वॉल के अंदर हर बंदा काम कर सकता है, 30 फुट हाइट तक कर सकता है, हमें ये मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्या हम टैक्स नहीं दे रहे? मेरा निवेदन फिर है कि हमें काम करने दिया जाए। जो भी व्यापारी आपको नजर आ रहे हैं, जो हमारा GST है, जो इनकम टैक्स है, 90% जो पे करते हैं वो सारे बंदे आज रोड पे हैं, जिनकी वर्थ करोड़ों करोड़ों रुपए है वो भी आज सड़क पे है। एक व्यापारी की यह हालत कर दी गई है।